जस्ट MMS एंड टेक केयर, तो सब्जेक्ट तो बहुत अच्छा ही है और सब्जेक्ट लेटेस्ट है आज जो मतलब हमारा जो ये मीडिया चल रहा है हाईटेक का। हाईटेक हमारे लिए जितना फ़ायदा है ना उतना नुकसान भी है। ये जो मोबाइल फ़ोन है ये हमारे लिए एक ऑफिस बन गया, लेकिन इससे नुकसान भी बहुत ज़्यादा है। तो किसी भी चीज़ का एक अच्छा उपयोग भी होता है और गलत उपयोग भी होता है, तो उससे आप कैसे बच सकते हैं? हाउ कैन यू सेव योर सेल्फ एंड ऑल दैट। तो एक बड़े चार बच्चों की ये जो है नौजवान यूथ की कहानी है, जिसमें मेरा भी एक किरदार है जो कि इन्वेस्टिगेशन करता है, वो रवीना टंडन जी और मैं और शिवा जो है हम लोगों की एक टीम है। किस तरह से ये फंसते हैं बच्चे और उसके बाद फिर वो हम लोग कैसे इन्वेस्टिगेट करते हैं, तो बड़ा इंटरेस्टिंग लगा मुझे। म्यूजिक मुहूर्त है, ओपनिंग जो हो रही है वो सॉन्ग से हो रही है, आइटम सॉन्ग जवानी, और फिल्म का नाम जस्ट MMS है, टेक केयर। ये आइटम सॉन्ग थोड़ा डिफरेंट है, जिस तरह से पहले आपने काफ़ी आइटम सॉन्ग्स देखे हैं उससे थोड़ा डिफरेंट इस तरह से है कि इसमें लाइक थोड़ा स्टैंडर्ड, थोड़ा क्लास अप है। लाइक ये जैसे बिपाशा आया था उस टाइप का लगा लो, या फिर डॉन का एक सॉन्ग आया था आइटम सॉन्ग, उस तरह का लगा लो। सॉफ्ट आइटम है, इट्स गुड, आई लाइक इट। बेसिकली मैं म्यूज़िक डायरेक्टर हूँ और साउथ में लाइक 15 ईयर्स है असिस्टेंट म्यूज़िक डायरेक्टर, उसके बाद म्यूज़िक डायरेक्टर वर्क किया है। तो एक नया कॉन्सेप्ट माइंड में आया, क्यों ना डायरेक्शन म्यूज़िक के साथ डायरेक्शन भी करना चाहिए। जाहिर बात है कि मुझे 15 और 16 ईयर्स का एक्सपीरियंस था, इसलिए मैंने अपने लिए एक सब्जेक्ट बनाया जो मैंने टाइटल रखा है जस्ट MMS। जस्ट MMS सुनने के बाद ही हमारे इंडियन ऑडियंस के दिमाग में होता है कि इस फिल्म में कुछ रहेगा। MMS का मीनिंग हमारे इंडियन ऑडियंस के नज़र में जो है उसको मैं चेंज करना चाहता हूँ। हमारे साथ मुस्कान खान पाकिस्तानी सिंगर एंड एक्ट्रेस वर्क कर रहे हैं, उनका मैं थैंक्स बोलूँगा। जो दो डिफरेंट कंट्रीज़ हैं उधर से बहुत सारी एक्ट्रेस इधर आ रही हैं और हमारे साथ काम कर रही हैं, डेफिनेटली हमारे एक्टर्स भी उधर जाके काम करेंगे, आई होप सो। और फ्यूचर में कुछ ऐसे मिलके कुछ ऐसी फिल्म बनाएं जो बहुत अच्छी हिट हो वहाँ के और यहाँ के आर्टिस्ट। बहुत से डायरेक्टर्स प्रोड्यूसर ने ये ट्राई भी किया है और मैं भी एक ये हाइप लेना चाहता हूँ कि पाकिस्तानी फिल्म एक्ट्रेस के साथ काम करूँ।